हेलो एवरीवन, मैं बनाने जा रही हूँ आज सैंडविच। सैंडविच में इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स और घर की चीज़ों से ही मिलाकर बनाऊंगी। ना ही इसमें कोई मैं चीज़ डालूंगी, ना ही मैं इसमें कोई अलग से चीज़ें डालूंगी जिससे आपको बनाने में मुश्किल हो। आपके घर की चीज़ों से ही बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी। यहाँ मैंने 4 आलू ले लिए जिसे मैंने बॉयल कर दिया था। इसे मैं मैश कर लूँगी और घर आपके घर के में ही जो भी वेजिटेबल्स है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग जो आपको ज़्यादा पसंद है डाल भी सकती हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालती हूँ, बहुत सिंपल सा बनाती हूँ और घर में इस सबको ये चीज़ें पसंद आती हैं। यहाँ मैंने बस एक छोटा सा प्याज ले लिया है और धनिया पत्ता। छोटा सा प्याज मैंने बहुत बारीक काट लिया, धनिया पत्ता भी मैंने बारीक काट लिया। यहाँ मैंने नमक ले लिया है, चाट मसाला भी ले लिया है, मेरे पास चाट मसाला था तो मैंने वो भी ले लिया। और यहाँ मैं नींबू डालूंगी, नींबू आप ज़रूर डालिएगा, नींबू से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसमें चटपटा सा लगता है। और भी आपको जो वेजिटेबल जैसे कैप्सिकम या कैरेट पसंद है तो डाल सकती हूँ, लेकिन मैं वो सब नहीं डालती हूँ, मुझे यही बस पसंद है और घर के लोग को भी यही अच्छा लगता है। आप भी एक बार ट्राई करिएगा, आप भी बस सिंपल तरीके से बहुत कम चीज़ें मिलाकर बना सकती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने इसको सारे इसमें मिक्स कर दिया अच्छे से ताकि नमक नींबू सब मिल जाए। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, देखिए मुश्किल से मैंने 4 चीज़ें या 5 चीज़ें इसमें ही डाला होगा। अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ सारी चीज़ें मिल जाए ताकि नमक या नींबू के जो रस है एक जगह ना रहे। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है ब्रेड, जो ये 12 रुपये के जो छोटे वाले पैकेट में आते हैं, वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं, आप ले भी सकते हैं। वैसे मैं छोटा वाला साइज़ लेती हूँ तो ज़्यादा परफेक्ट सबके लिए भी हो जाती है। यहाँ मैं घी गरम कर रही हूँ, मुझे घी में बनाना बहुत पसंद है। बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे घी में अच्छा लगता है तो मैं घी में ही बनाती हूँ ज़्यादातर। यहाँ मैंने घी को अच्छे से इस पर लगा दिया है और मैं बहुत अच्छे से चारों तरफ इसमें घी लगाकर तवे पे सेक रही हूँ। हम इसको दोनों साइड से सेकेंगे। दोनों साइड से सेकने से ना हमारा जो सैंडविच है बहुत क्रिस्पी रहता है ऊपर से और अंदर से बहुत सॉफ्ट रहता है, तो बहुत खाने में यम्मी लगता है। तो मैंने इसे धीमी धीमी आंच पे क्रिस्पी होने तक ले फ्राई कर लिया है और मैंने इसको थोड़ा धीमी आँच पर, ज़्यादा आप हाई आँच पे रखेंगे ना तो ब्रेड जल जाएंगे और फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे, तो धीमा आँच पे ही इसको रखिए और इसको अच्छे से प्रेस करते रहिए। प्रेस करने से ये खूब अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। जब मुझे कुछ खाने को मन नहीं करता या रोज़ रोज़ एक ही सब्ज़ी बना के इंसान का मन भर जाता है तो मैं ये वाली चीज़ बनाती हूँ जिसे सबको पसंद आता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो रोज़ वही रोटी सब्ज़ी बनाते बनाते अगर आपका भी मन एकदम बोर सा हो गया तो एक बार आप इसे ट्राई करिएगा। यहाँ मैंने जो आलू का बैटर था इसे अच्छे से अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। आप इसको तवा पे ही धीमे धीमे आंच पे इसको ऐसे रख के इसके ऊपर सब आलू वगैरह का बैटर डालिएगा, तो इससे क्या होता है ना थोड़ा सा हमारा आलू भी अंदर से सिक भी जाता है और ब्रेड जो है वो क्रिस्पी होता रहता है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, आपने देखा ना मैंने चीज़ डाला, ना बटर डाला, ना एक्स्ट्रा कुछ डाला है, ये ऐसे ही बहुत यम्मी लगता है। मैंने इसे दोनों डालने के बाद थोड़ा देर के लिए और धीरे धीरे इसको सिकने दिया ताकि अच्छा से क्रिस्पी हो जाए और ये गरम गरम ही खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे आप तुरंत बनाकर लोग को दें, अगर आप थोड़ा सा देर में देंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा जो तवे पर खाने में मज़ा आता है। देखिए जब मैं इसे कट कर रही हूँ तो क्रिस्पी से कितना अच्छा से अलग अलग हो जा रहा है। यहाँ मैंने यहाँ टमाटो सॉस लिया है, टमाटो सॉस के साथ बहुत अच्छा लगता है।